सारी डिटेल्स लेके रखिएगा दीवान जी। हाँ जी सर। अब ये क्या हसीना मलिक, क्या चाहती हैं आप? मतलब इतना कुछ हो गया उसके बाद भी तसल्ली नहीं हुई आपको? क्या क्या, मेरी इतनी पर्सनल वीडियो वायरल करके और उस वो मंत्री के टंटे का बदला लेने के बाद भी आपको तसल्ली नहीं हुई जो इतनी हल्की हरकतों पे उतर आई हैं आप, हाथापाई पे उतर आई हैं? देखिए प्लीज आप बकवास करना बंद कीजिए। वो जो वीडियो लीक हुआ है वो गलती की वजह से हुआ है, वो हमने किया भी नहीं। और यहाँ पर हम आपसे आकर नहीं टकराए, आप हमसे टकराए। सॉरी मैडम, इस बार सबने देखा है। देखिए आप एक आदमी कह रहा है, यही कि आपने जानबूझकर हमारे सर को धक्का मारा। हाँ हाँ, औरतें ऐसी हरकतें अक्सर करती है, जिनसे खुंदक खाती है ना, उन्हें कुछ ना कुछ तो मारती है, जैसे बेलन, ताना या धक्का। वाह वाह, मतलब बात कहीं से भी शुरू हो, बीच में अपनी औरत मर्द वाली मानसिकता जरूर घुसाइए आप। अरे घुसी तो हसीना मैडम है जबरदस्ती, वो भी सामने से, और हम कहा औरत मर्द की मानसिकता को घुसा रहे हैं। ये बवाल तो आप लोगों ने खड़ा किया है, नारी अत्याचार, नारी अधिकार, उनकी दुहाई दे दे के मर्द जात का जीना मुश्किल कर दिया आप लोगों ने। अरे जीना तो हमारा मुश्किल हो गया है जब से आप इस थाने में आए हैं। हाँ तो इस बार भी हमेशा की तरह प्रूव कर देंगे कि गलती औरत की है। अब की बार आप साबित कर ही दीजिए, दिखाई। हाँ तो करेंगे ना। अब कीजिए, कीजिए। एक सेकंड मैडम प्लीज, आप जैसे आई थी वैसे ही आइए, और सर जैसे आप बाहर जा रहे थे वैसे जाइए। दीवान जी प्लीज, इज्जत का सवाल है, प्रूव तो करना पड़ेगा। देखिए देखिए दीवाना जी, दीवान जी। हाँ हाँ दीवान जी, हमारा पर्सनल लेवल पर ऐसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि पूरा घटना का ना एकदम ऐसे नाटकीय रूपांतर करते हैं। तो आप बन जाइए अमर सर और मैडम सर बन जाती है पुष्पा जी। नहीं नहीं नहीं, अरे इनसे नहीं होगा। करेंगे तो चलिए शुरू हो जाइए। इनका पर्सनल पूजा है, अभिनय बरसाने से पहले करती है। चलिए चलिए हाँ शुरू करते हैं। एक दो तीन। देखा 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 आप लोगों ने कैसे ये रुक गई। वैसे ही हसीना मैडम रुक सकती थी लेकिन नहीं रुकी, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जानबूझकर हमारे सर जी को धक्का मारा। अब सबकी बकवास अगर खत्म हो गई हो तो हम केस पर ध्यान दें, वो केस जिससे हमारी जीत और हार मुनस्सर है। आप लोगों को केस सॉल्व करना है तो करिए, क्योंकि हमारे सर तो केस कब का सॉल्व करके बैठे हैं। तो हम भी कोई खाली हाथ नहीं बैठे, हम भी केस सॉल्व कर चुके हैं। पूजा के असली गुनेगार ये है। तो मिस्टर कोच, अब आप सारी असलियत खुद उगलेंगे या करिश्मा सिंह से कहें कि अपने तरीके से उगलवाएं? देखिए चुप रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास आपका बैंक का स्टेटमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ ठीक उसी दिन आपके अकाउंट में 3,00,000 रुपए ट्रांसफर हुए थे, और इतना सबूत काफी है आपको जेल पहुंचाने के लिए। बताओ उस दिन हादसे वाले दिन आप जानबूझकर पूजा को थोड़ा 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 करके सरका के उस जगह पे लाके खड़ा कर रहे थे जहाँ पे निशाने वाले का निशाना सीधा सटीक उस पे जाके लगता। मैडम सर, ये उस नंबर की डिटेल्स है जिस नंबर से इन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे पूजा को शिफ्ट करने के, और ये नंबर चोरी का है। बकोगे या अपने तरीका से निकलवाए हम? मैडम जी प्लीज, ये सब कुछ मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और सच सच बताऊंगा। उस दिन मैं कोचिंग खत्म करके बस जाने की तैयारी ही कर रहा था कि एक खिलौना आकर टकराया, और उसमें एक लेटर रखा था। उस लेटर में ये लिखा था कि प्रैक्टिस के दौरान अगर मैंने पूजा को एक पर्टिकुलर जगह पर खड़ा कर दिया तो मुझे उसके बदले में पूरे 3,00,000 रुपए मिलेंगे, और वो पर्टिकुलर जगह कहाँ होगी उसका इंस्ट्रक्शन मुझे फोन पर ही दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि रुक्मणी के थीम को भी उसी ने बदलवाया था, और लेटर को फाड़ने के बाद जलाने के इंस्ट्रक्शन भी मुझे उसी लेटर के जरिए दिया गया था, ताकि उसे ये संकेत मिल जाता कि मुझे उसकी ये डील मंजूर थी। वाह क्या बात है, मतलब ऐसे केस सॉल्व किया आपने, अभी तक सिर्फ गोल गोल अंडा, ना ही गुनेगार का पता ना ही मोटिव का। अब मेरी बारी, मैं आपको बताता हूँ केस कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मेरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इस मामले में ना कोई स्टाफ का ही आदमी शामिल है, इसलिए मैंने वहां के कारपेंटर जिसने टारगेट बोर्ड बनाया था और वहां के पेंटर दोनों को बुलवा लिया। अब वही बताएंगे कि असली मुजरिम कौन है। खेल खत्म, पैसा हजम।
तो बताइए ना दीवान जी, वो पेंटर और कारपेंटर से क्या बातचीत हुई? सर हुई तो है पर क्या? सेम सेम। क्या सेम सेम? सेम सेम नहीं सर, सेम सेम मतलब जो उनके साथ हुआ वही उन दोनों के साथ भी हुआ। मतलब सर मैंने उन दोनों को बहुत कूटा, बहुत मारा, लेकिन उन दोनों का यही कहना है कि उन्हें भी लेटर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस मिले थे और उन दोनों को नहीं पता कि ये लेटर किसने भेजा उन्हें। दीवान जी मतलब क्या है इस बात का? सर मतलब तो एक ही है कि ना मुजरिम का पता चला ना मोटिव का, यहां भी गोल गोल अंडा ही है सर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.